शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नागपुर शहर में आज फिर कोरोना का धमाका हुआ है। शहर में बुधवार को 83 मरीज जो है कोरोना पॉजिटिव के नए पाए गए हैं, जिससे अब शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 862 पर पहुंच चुकी है। संतरा नगरी में कोरोना का विस्फोट हो रहा है। मंगलवार को एक ही दिन में 42 पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आज फिर 83 मरीज सामने आए हैं, जिसके चलते प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। यह सभी मरीज नाइक तालाब बांग्लादेश क्षेत्र के हैं। इन सभी को VNIT में क्वारंटाइन किया गया है। पिछले दिनों मोमिनपुरा क्षेत्र और सतरंजपुरा हॉटस्पॉट बना हुआ था, इसके बाद अब नाइक तालाब बांग्लादेश हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ कुल मिलाकर 140 मरीज संक्रमित पाए गए हैं। वहीं शहर में संक्रमितों का आंकड़ा 862 पर पहुंच चुका है। दिनों दिन बढ़ते मरीजों की संख्या जहां जिला प्रशासन के लिए चुनौती बनी है, वहीं शहरवासियों के लिए भी खुले लॉकडाउन में खतरे की घंटी। कई क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन हटाने के बाद यहां लोगों ने राहत की सांस ली है। वहीं अब नए क्षेत्र में लोग कंटेनमेंट जोन में शामिल हो गए हैं। अब यहाँ के लोगों को घर में ही क्वारंटाइन रहना होगा। वहीं संक्रमित मरीजों को अलग अलग स्थानों पर प्रशासन ने क्वारंटाइन किया है। आज हम NBCN की टीम पहुंची है नाइक तालाब बांग्लादेश परिसर में, जहाँ से सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट कल से मिल रहे हैं। आप देख पा रहे हो मेरे पीछे जो एरिया है, ये नाइक तालाब बांग्लादेश का परिसर इसे कहा जाता है। 42 पेशेंट मंगलवार को मिलने के बाद बुधवार को कोरोना ब्लास्ट होते होते 61 पेशेंट जो है दोपहर तक यहाँ पाए गए थे, वो सभी के सभी नाइक तालाब बांग्लादेश परिसर से पाए गए थे, जिन्हें क्वारंटाइन किया गया था। और जिससे अब शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 840 तक पहुंच गई है और इससे आगे भी यह संख्या बढ़ सकती है। जिस तरह से पेशेंट बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लोग क्वारंटाइन किए गए हैं इस परिसर से, उससे पेशेंट बढ़ने की संभावना ज़्यादा है। यह एरिया स्लम बस्ती होने के कारण यहां ज़्यादा संक्रमण का, ज़्यादा फैलाव का जो है यहां संभावना जताई जा रही है, जिस कारण ये बांग्लादेश और नाइक तालाब दोनों परिसर जो है पूरी तरह से सील कर दिए गए हैं। कैमरा पर्सन सुभाष बुटले के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, NBCN न्यूज़ नागपुर।